हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं माइनक्राफ्ट मोबाइल की एक परफेक्ट सेटिंग, जिसे आप 1v1 बहुत अच्छे कर सकेंगे। आपकी जो स्पीड होगी वो भी बढ़िया हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आज हम सेटिंग्स में देख के जाएंगे, उसमें हाई फ्रेम रेट भी देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो कि आपका गेम प्ले एकदम परफेक्ट कर पाएगा। आप रिकॉर्ड करना चाहोगे तो उससे भी आपका स्मूथली रिकॉर्ड कर पाएगा इस सेटिंग्स में। इसलिए आज स्टार्ट करते हैं सेटिंग में। टेक्स्ट स्पीच मतलब आपके हिसाब से जो भी आपके लिए अच्छा है उसका हिसाब से आपको करना चाहिए। जैसे कि टेक्स्ट बैकग्राउंड ओपेसिटी आपको जीरो चाहिए, कोई नहीं चाहिए टेक्स्ट। एक्शन बार बैकग्राउंड ओपेसिटी 60% रखी है अपन ने, एक्शन बार पे 60% रखा है। डार्कनेस इफेक्ट स्ट्रेंथ 100% रखी है, ये गेम प्ले में बहुत अच्छा जाएगा 100% रखेंगे तो। और ग्लिंट स्ट्रेंथ 75 कर रखी है, ग्लिंट स्पीड भी 50% रखी है। जो स्पीड होती है ना ग्लिंट की वो थोड़ी सी कम रखी है ताकि हमारा जो एक्सपीरियंस है ख़राब ना हो। इसमें टोटल नोटिफिकेशन ड्यूरेशन 3 सेकंड का रखा है मैंने, इसे भी कम कर सकते हैं आपको। और जो चैट मैसेजेस आती है उसको भी टेम किया। मॉडिफायर चाहिए इसको तो हाई पे रखो, एक्स्ट्रा लार्ज इस पर कुछ नहीं किया। ये पूरे एक्सेसिबिलिटी के हाउ टू प्ले, ये में गलती से इस पर आ गया हाउ टू प्ले। कीबोर्ड एंड माउस पे जाते हैं, इसकी सेंसिटिविटी 50-50 रखी है। देखो कीबोर्ड और माउस हम तो यूज़ नहीं कर रहे अभी, मोबाइल का कर रहे हैं इसलिए इसका कुछ नहीं है। बस इसमें क्या है, बटन्स अलग अलग दिए उन्होंने, इससे अच्छा कंट्रोलर में जाते हैं। कंट्रोलर में कैमरा सेटिंग 50 रखी है और स्पाइलेस डैम्पिंग, वो जो ये होता है ना उसकी 50% रखी है। इन्वर्ट वाई एक्सिस हमने बंद रखा है, ऑटो जंप ऑन रखा है। और कंट्रोल कर्सर सेटिंग, जो कंट्रोल कर्सर होता है ना जो बीच में प्लस आता है, उसकी सेटिंग 100% पे रखी है, क्योंकि वो जब हम किसी को मारेंगे तो उसकी जो मारने की क्षमता है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी इससे। जंप एंड फ्लाई का ये रखा हुआ है। कंट्रोल लेआउट हमने मतलब इस तरह से किया हुआ है इधर, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लेआउट में। ये वीडियो में फर्स्ट पर्सन व्यू रखा है और ब्राइटनेस 70% रखी है, थोड़ी सी कम रखी है, आप इसको 80% तक ले जा सकते हो। इसे देखो चेंज स्क्रीन से एरिया कर सकते हैं, लेकिन अपने को नहीं करना तो पीछे। और देखो अभी 60 FPS दिखाया है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर 60 चाहिए 90 आपका, आपके डिवाइस कितना ही कर सकता है उसके ऊपर आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं 60 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो बनाने में स्मूथली जाता है। UI प्रोफाइल क्लासिक रखिए, वही ठीक रहता है। देखो अगर हमें जो कस्टमाइज करना है, जो जॉयस्टिक है उसकी मतलब ऐसे 4 फिंगर पे रखना है, तो इसके लिए हमें पहले लॉगिन करना पड़ेगा, मतलब अपने जो वर्ड में है वहाँ जाना पड़ेगा। अपना वर्ड अभी देखो मैं और वर्ड में जाता हूँ, इसमें अपने 3 वर्ड है, माय वर्ड, माय फर्स्ट वर्ड और हैप्पीनेस। अपने हैप्पीनेस में बहुत प्रोग्रेस की है इसलिए हैप्पीनेस पे चलते हैं। अपन अपने घर मतलब जो केव बनाई थी हमने पिछले वीडियो में वो हाल पर आ चुके हैं। अब इसके ऊपर ऐसे जाते हैं और सेटिंग्स में जाओ। ओके, आपको यहाँ पर टच मिलेगा कस्टम कंट्रोल्स, आप इसको कंट्रोल ले ऐसे ऐसे आप बदल सकते हो आपके हिसाब से। इसको ऊपर रख सकते हो, इसको नीचे रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐसे खेलने के लिए, मारने के लिए इसे ऐसे भी मार सकते हो, ये भी ठीक है, आपके हिसाब से खेलना पड़ता है। इसको थोड़ा इस साइड पर रख सकते हैं जैसे आप खेलना, लेकिन मैं ऐसा रखता हूँ क्योंकि ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से ये करना है कि मैं 1v1 कर रहा हूँ तो इसको बड़ा कीजिए थोड़ा सा। और देखो ऐसे बड़ा करते हैं इसको, बड़ा नहीं इतना ही हो रहा है लेकिन ठीक है, इतना भी ठीक है। ऐसे ऐसे करके देखो, अभी आपको दिखता हूँ कि ऐसे ऐसे करके आपको उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे इतना रखो और सेव करो। हो गए तो यही है, फिर रिज्यूम जम कर सकते हैं। अभी बाहर क्या चल रहा है, बाहर तो अभी कुछ नहीं चल रहा शायद। ओके, इसके अंदर क्या है, ऐसे मार भी सकते हो। चलो हो गया, यही सेटिंग थी। तो इससे आप फास्ट फास्ट भी जा सकते हो जैसे